चैप्टर थ्री मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन का मतलब सबको क्लियर है, क्या होता है मोशन का मतलब? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे मोशन में है। दूसरा क्या स्टेट होता है आपका? रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रेफरेंस टू एनी ऑब्जेक्ट, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेस्ट पे बोलेंगे। अब हम सब मोशन में है, रेस्ट में है? हम सब रेस्ट में, अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो। बट अगर कोई हमें स्पेस से देख रहा है तो वो हमें क्या मानेगा? मोशन में। अब जैसे सपोज व्हीकल में आप बैठे हुए हो, तो आपके जो को पैसेंजर है वो रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में। बट बाहर कोई पर्सन खड़ा है वो देख रहा है आपको, तो वो आप उसके लिए किस में हो? मोशन में। क्लियर? तो रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटेबल टर्म्स है, कि जिसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। क्लियर हुआ? अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ओनली वन एक्सिस के लिए हमें पढ़ना है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो। क्लियर? ओनली वन एक्सिस में अगर आपका मोशन हो रहा है तो उसके बारे में हमें पढ़ना है, चाहे वो जेड एक्सिस भी हो, ठीक है। बट एक टाइम पर एक ही एक्सिस में वहां पे मोशन आपका हो रहा है, उसके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में। नाउ अब इसमें ये नाइन्थ में भी आपने पढ़ा था ये चीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? सपोज आप ए टू बी जा रहे हो, क्लियर। तो सपोज आपने ये पाथ चूज किया, यहां से यहां सपोज 5 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये अगेन 5 मीटर है, तो जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली, सपोज ये 12 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां पे 12 मीटर हो जाएगा और डिस्टेंस क्या आया था? 20 मीटर। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। क्लियर? इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? दोनों की एसआई यूनिट आपकी मीटर ही होती है। क्लियर? अब डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी डिस्प्लेसमेंट की, चाहे आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कहीं पर भी हो, उसके बीच में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर? और उसकी अगर आपको डायरेक्शन भी पता है तो वो आप बता सकते हो, लाइक कि 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चले हम या नॉर्थ ईस्ट चले। क्लियर? तो एक परफेक्ट डायरेक्शन हम वहां पे डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल सकते हैं। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? ठीक है, दोनों के सही यूनिट मीटर, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। क्लियर? देन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको बोलेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर? यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रहा है, लाइक 5 मीटर पहले सेकंड्स में कवर किया, ठीक है, नेक्स्ट 5 मीटर भी उसने नेक्स्ट 1 सेकंड में कवर किया, तो हर 5 मीटर कवर करने के लिए वो 1 सेकंड यूज कर रहा है, तो उसका मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा मोशन शो कर रहा है। तो क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन को हम और क्या नाम दे सकते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? या कॉन्स्टेंट स्पीड। क्लियर? जब आपका ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको ही हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। क्लियर? नाउ इसके बाद आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। अब ऐसे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड स्केलर है। स्पीड का मतलब क्या है कि अब हम देखो मूवमेंट हो गई, मोशन हो गया, अब स्पीड का मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। मतलब हमारा मोशन होता रहे वो किस रेट पर हो रहा है,
फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है। अब जैसे आपकी आवर एंड और मिनट एंड है वॉच की, तो कौन फास्ट मूव करती है? मिनट एंड फास्ट मूव करती है। तो कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि जल्दी वो कंप्लीट कर लेता अपना डिस्टेंस एज कंपेयर टू आवर एंड। तो वही चीज हमारी क्या है? स्पीड। क्लियर? अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन फास्ट मूव कर रहा है, कौन स्लो मूव कर रहा है? तो उनकी स्पीड फाइंड करके। तो स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? और ऐसे ही वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? वेलोसिटी का मतलब स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी। ठीक है? और यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? स्पीड और वेलोसिटी में अगेन वही डिफरेंस है जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमने बोल दिया 40 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहे हैं। अगर हम ये बोल दें 40 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रहे हैं, तो वो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर? यानी उसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो गई। तो जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगी वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर? जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो आपका नॉर्मली स्पीड है। तो वेलोसिटी को हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या? स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी को हम और क्या बोल सकते हैं? स्पीड विद डायरेक्शन। क्लियर? स्केलर और वेक्टर अब क्लियर हो गया कि कौन स्केलर होगी, कौन वेक्टर होगी? स्पीड स्केलर है बिकॉज इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डिस्टेंस आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस अगेन स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड हम डिस्टेंस के बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी आपकी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की होगी। क्लियर? याद रहेगा स्पीड वेलोसिटी। नाउ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा? अब आपने सपोज एक बड़ा डिस्टेंस कवर किया। अब बड़ा डिस्टेंस जब आप कवर कर रहे हो तो क्या एक फिक्स स्पीड पे चल सकते हो? नहीं, आपकी स्पीड चेंज होगी, कभी फास्ट भी होगी, कभी स्लो भी होगी। या आप अगर कोई एक जर्नी कंप्लीट कर रहे हो सपोज 40 किलोमीटर की एक घंटे में, तो क्या आप उस एक घंटे में कॉन्स्टेंट स्पीड से चले हो? जब स्टार्ट ही आपने अपने व्हीकल को किया तो जीरो से स्टार्ट हुआ, वो उस 40 से हाई भी गया होगा, 40 से नीचे भी आया होगा। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एवरेज स्पीड। जब हम होल जर्नी की स्पीड बता रहे हैं तब वहां पर हम एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट ले आएंगे। क्लियर? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर? और ऐसी अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है तो एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा आपका? नेट डिस्प्लेसमेंट। कभी भी हम टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हैं। देखो, अगर सपोज आप ए से बी गए, बी से आप सपोज सी पे आ गए, क्लियर? अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए सी। तो डिस्प्लेसमेंट आप देखो, अब बी टू सी सपोज ये 15 मीटर है, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, ए टू बी जाने में डिस्टेंस कितना था? 20 मीटर डिस्टेंस। बी टू सी जाने में डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 प्लस 15, 35 मीटर। क्लियर? बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ए टू बी 12 है, बी टू सी सपोज 7 मीटर है और ए टू सी सपोज 10 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट अब कितना आएगा? ए टू सी 10 मीटर आएगा। यानी जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आप एडिशन नहीं करोगे सारे डिस्प्लेसमेंट का, शॉर्टेस्ट देखोगे फिर से अगेन इनिशियल एंड फाइनल। क्लियर? चाहे जितना बड़ा भी आप डिस्टेंस मूव कर रहे हो, आपको हमेशा क्या देखना है डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, कि उनके बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है। क्लियर? वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसलिए कभी भी नेट डिस्प्लेस टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। क्लियर हो गया एवरेज वेलोसिटी? ठीक है, अब एक और टर्म अब इसमें नाइन्थ के अलावा आपकी आई है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है बताओ? आप फेमिलियर हो वैसे इन सब चीजों से, व्हीकल चलाते हो ना, एट एनी इंस्टेंट। अब व्हीकल चलाते हो आप तो उसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ है, तो वो आपको कौन सी स्पीड शो करता है? उसी टाइम की ना, एट करंट बिल्कुल। और वो चेंज भी होती रहती है, यानी रुक नहीं जाती कि हाँ 40 मीटर पर सेकंड में आप मूव कर रहे हो, चेंज भी होती रहती है, 35 भी जाएगी, 45 भी जाएगी। क्लियर? जैसे जैसे आप एक्सेलरेट करोगे, ब्रेक सप्लाई करोगे। क्लियर? तो वो कौन सी स्पीड बता रहे? एट एनी इंस्टेंट की बता रहे,
जहां पे टाइम इंटरवल आपका क्या है, बहुत ही कम है। क्लियर? अब स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों को हम वी से डिनोट करते हैं। कल सुबह 10 बजे से पहले, हाँ, वेलोसिटी या स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। क्लियर? अब वी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब चेंज इन एक्स एक्सिस, यानी अब आप देखो स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के लिए आपने किसी पॉइंट से तो स्टार्ट किया होगा, सपोज आपका ये ओरिजिन है, अब यहां से स्टार्ट कर रहे हो, तो इसकी कोई वैल्यू होगी x1 की यहाँ पे, अब इस वे में मूव कर रहे हो स्ट्रेट लाइन में, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x2 माइनस x1, और उसी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा x, यानी डेल्टा x इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ऐसी डेल्टा t क्या हो जाएगा आपका, t2 माइनस t1, कि कितना टाइम लगा वहां से वहां तक जाने में। जन और आपका x1 या t1 जीरो भी हो सकता है, अगर x1 और t1 अगर जीरो हो गया तो डेल्टा x सीधे आपका x2 बन जाएगा, अगर x1 यहां जीरो हुआ तो x2 माइनस जीरो x2 ही रहेगा। क्लियर? ऐसे t2 माइनस t1 अगर हम जीरो कर देंगे तो t2 ही रहेगा आपका टाइम। क्लियर? अगर आपने जीरो सेकंड से चलना स्टार्ट किया है तो। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आपका, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब इंस्टेंटेनियस के केस में क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है। अब इंस्टेंटेनियस में हम क्या कह रहे हैं, एट एनी इंस्टेंट, यानी कि टाइम की वैल्यू क्या है आपकी, लिमिटेड है, बहुत ही कम है, सो हम लिमिट लगा रहे हैं यहां पे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। आपका जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही मिनिमाइज है, बहुत ही कम है, यानी नियरली इक्वल्स टू जीरो है, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की हमने, तो इसके लिए हम फर्दर क्या करते हैं, dx by dt लिखते हैं। dx by dt का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आपकी बहुत ही छोटी चीज को कैलकुलेट करना होता है हमें, तब हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। क्लियर? अगर आपका x टाइम की टर्म्स में है तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे उसको किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ? अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, अगर सपोज आपको x रेस टू पावर n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, देखो इस dx का मतलब या इस पूरे d by dx का मतलब अगर आप देखोगे तो इसका मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इस क्वांटिटी को। क्लियर? तो अब इसका फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएट करने का, ये पावर आगे आ जाएगी आपकी n, x और पावर एक कम हो जाएगी n x n माइनस वन। तो जो भी आपका है, अगर सपोज आप t स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, देखो d by dt का मतलब है हमें ये पता चलेगा किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर? तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 2t 2 माइनस वन, यानी 2t आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी और ये भी। और डिफरेंशिएशन हम कब यूज कर रहे हैं, जब हम नीचे वाली वैल्यू को नियरली इक्वल्स टू जीरो कर रहे हैं तब हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। क्लियर? इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी इंस्टेंट। क्लियर? जिसमें हमारा टाइम इंटरवल क्या है, बहुत ही कम है। क्लियर? माइक्रो सेकेंड से लाइक, तो वहां पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दिया हमने। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जब भी हम बहुत छोटी वैल्यू कर रहे हैं, जैसे आपको पता है रैशनल नंबर्स में नीचे कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? तो उसके लिए हम फिर डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं dx by dt, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपका ये हो गया। क्लियर? और जो भी हमारा x की टर्म होगी t की टर्म्स में, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके।